डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भाजपा केवल जनता को घुमाने का काम कर रही है। गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। जनता को व्यापार दो, रोजगार दो, किसानों को राहत दो, इस बार जनता हिसाब पूरा कर देगी। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक पता नहीं है। गठबंधन पर अजय राय ने यह भी कहा कि यह तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, किससे गठबंधन करना है किससे नहीं। जल्दी ही सभी को पता चल जाएगा कौन गठबंधन में है और कौन नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात से भी इनकार किया कि आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार के दबाव के चलते जेल अधीक्षक ने खुद से ही यह बात कही है। यहाँ तक कि वो जो सेव उन्होंने आजम खान के लिए दिए थे वो भी जेल प्रशासन ने उन तक नहीं पहुँचाए, ऐसा दावा अजय राय ने किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रविवार को मेरठ शास्त्री नगर में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पूर्व विधायक दामोदर शर्मा की दूसरे पुण्यतिथि समारोह में भाग लेने आए हुए थे। इस मौके पर समाज की विभिन्न विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन दामोदर शर्मा के पुत्र अरुण व अजय दामोदर शर्मा द्वारा किया गया था। संचालन रविंद्र राणा ने किया। देखिए क्या कहा अजय राय ने। मिलने से उन्होंने मना नहीं किया, ये पूरी तरीके से सरकार के दबाव में जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। वो पूरी तरीके से मिलना चाहते थे और उनके परिवार के लोगों से हम लोग बात करके गए थे, वो मिलना चाहते थे। और आपको मैं बता दूं, जो हम लोग सेब लेकर गए, वो सेब जो लेकर उनको गए थे, सुपरिटेंडेंट ने कहा कि नहीं ये सेब उनके पास पहुंच जाएगा। अब बाद में मुझे पता ये चला कि सेब भी उनके पास नहीं पहुंचा। अब ये बताओ कि वो पूरी तरीके से, इसका मतलब साबित हो गया कि सरकार के दबाव। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे जाने के जेल जाने के पहले ही मीडिया में जेल सुपरिटेंडेंट ने कह दिया कि नहीं आजम खान साहब नहीं मिलना चाहते। मैं अभी पहुंचा ही नहीं हुआ, मैं वहां पहुंचा नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया। ये पूरी तरीके से प्रदेश सरकार के दबाव में जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। देखिए ऐसा है, वहाँ पे लड़ाई, मैं भी मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ, भोपाल में था, वहाँ पूरी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। बाकी और कोई दल वहाँ लड़ाई में नहीं है, पूरी तरीके से वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है, वहाँ समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक कोई भी उनका पता नहीं है। 2024 में हम 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं, 80 सीट की पूरी ताकत के साथ कांग्रेस आगे कर रहे हैं। अब अभी हमारी पूरी ताकत के साथ तैयारी है, अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसके साथ गठबंधन होना और किसके साथ नहीं होना, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। दो भाजपा के दो लोगों ने कुछ और बात बोली है तो आपस में ही कंट्रोवर्सी है। तो पहले जो प्रदेश है उसका तो काम करो भाई, पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण, पहले उसका काम करो जनता के लिए। आपने गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं किया, गन्ने का पेमेंट हुआ है क्या किसानों का? नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, क्या बात है? किसानों को राहत दो, किसानों से झूठ मत बोलो, गन्ने का पेमेंट दो, लोगों को रोजगार दो, काम दो, व्यापार दो। क्यों लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो? क्यों बात घुमाने की बात मत करो, इस बार जनता हिसाब पूरा कर देगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।